Chichi. हाँ बाबा अभी गए भी ना कि जे अभी से उनकी प्रतीक्षा करने लगो है देख रही हो जिजी हमें लगो कि नीलमणि हमारी प्रतीक्षा कर रहे है तो देखो नीलमणि हम आ गए आ गए तुम सब पालना उत्सव की कछु पड़ी भी है कि ना आप कहो तो आप क्या ही बस जाए यशोदा भाभी फिर तो कभी देर ना होगी ना ना ऐसी भूल मत करना अच्छा जो तनिक समय मुझे मेरे लल्ला के साथ मिलतो है वो भी छीन लो सब मुझसे जिजी आप चिंता मत कीजिए ना हमारी और ना ही पालना उत्सव की तैयारी की रोहिणी जिजी ने कल ही सब कुछ समझा दियो था क्यों रोहिणी जिजी तो बस चलो संभाल लो सब कुछ हाँ तुम सब जाओ और अब मैं अपने लल्ला को संभालूंगी बहुत अच्छे से तैयार करूंगी तुझे हाँ अभी आई तेरी मैया अभी आई मुझे भी एक विशेष तैयारी करनी है आज विचित्र सा आकर्षण है बरसाना में यहीं से प्रारंभ करती हूँ आज का तांडव ना ना बरसाना नहीं कोई और स्थान भी नहीं आज तो पूतना को यहीं आना होगा मेरे पास बड़ा गांव है इतने सारे व्यक्ति हैं अनेक बालक मिलेंगे यहाँ किंतु मैं तो नहीं मिलूंगा ना अरे मैं यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ और वो वहाँ जा रही है अब मुझे ही कुछ करना होगा आ कहो तेरी मैया आ कहो तेरी मैया ऐसा रूप निखरेगा मेरे लल्ला का सब देखते रह जाएंगे हाँ मुझे तो इस बात की चिंता है मैया कि जिस रूप में मैं पूतना का सामना करूँगा आपने मुझे उस रूप में देख लिया तो आपकी ममता से वंचित नहीं होना चाहता हूँ मैं किंतु पूतना को अब और अधिक आतंक भी फैलाने नहीं दे सकता खुदकुदी हो रहा है ऐसी मधुर किलकारी की प्रकृति भी खिल उठी कहीं ये ध्वनि विष्णु की तो नहीं यही तो चाहता था मैं कि तुम यहाँ आओ बस मेरे पालना उत्सव में विघ्न मत डालना पूतना मैया बहुत उत्साहित है आज तैयारी में कोई कमी न रहे अरे इसे थोड़ा नीचे लगाना ना देख रहे लल्ला मैं यहाँ तुझे तैयार कर रही हूँ और बाहर तेरे लिए तैयारी चल रही है बहुत मगन होके मनाएंगे तेरा पालना उत्सव इससे पूर्व कि जे सब अपना कार्य समाप्त करके मेरे सर पे नाचे मुझे तेरा साथ सिंगार पूरा करना है पोशाक तो पहना दिए नहीं अब ऐसा मुकुट पहनाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी तेरा रूप देख के हाँ मेरा लल्ला हाँ
यहाँ तो कोई शिशु दिखाई नहीं दे रहा। एक एक घर का विध्वंस क्यों ना करना पड़े। मैं अपने आहार को ढूंढ के रहूंगी। आज विध्वंस नहीं होगा पूतना। मैया ने अभी अभी क्या कहा, लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया। बता लल्ला, अच्छा लगो? हाँ कि ना? पता? ओहो, हाँ। बिल्कुल सही आभास हुआ था मुझे, ये विष्णु ही है। पर मेरा लल्ला तो पूरा सच गो है। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआ दिखाई ना देगो। मुख पे ऐसा तेज है कि इसके आगे किसी को कछुआ दिखाई ना देगो। अभी आई। ऐसे चौंक क्यों गई पूतना? मैं ही हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रही थी। तो तू है विष्णु अवतार, स्वयं को कंस का काल समझता है। आज मैं बनूंगी तेरा काल, मूर्ख शिशु। इतनी सारी मिठाइयां, कर देने में अधिक समय लगा तो हमारा मुख मीठा करके कृपा पाना चाहते हो नंदराज? मैं तो छोटे से गांव का सीधा साधा ग्वाला हूं महाराज, राजधानी की राजनीति के दाव पेच मैं ना समझता। बस अपनी प्रसन्नता आपके साथ साझा करूं, मुझे पुत्र हुआ जी, वो भी इतने वर्षों के बाद, इसीलिए कर्मकांड में व्यस्त हो गया। कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म, कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज हमारा लल्ला। उतना के लिए एक और नवजात शिशु, तुम्हारी प्रसन्नता पर तो आकाश टूट पड़ेगा जब तुम्हारा पुत्र स्वर्ग से धारेगा। वाह, फिर तो मिठाई खाना आवश्यक है। बधाई हो नंदराज, बधाई हो। महाराज आज लल्ला का पालना उत्सव मनाया जा रहा है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ जाओ, अपने पुत्र के उत्सव का आनंद लो। तो क्या है ना नंदराज, जब भाग्य शुभ सूचना दे उसको खोना नहीं चाहिए। मुट्ठी में दबोच लेना चाहिए। जाओ जाओ जी महाराज।
समय से पहले ही कार्य हो गए। बस अब वसुदेव भैया से मिलके शीघ्र ही घर लौट चलूंगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, यही कहेगी पूतना भी जब वो तुम्हारे शिशु को। अरे शीघ्र चलो, पालना उत्सव आरंभ ना हो जाए, नहीं तो नीलमणि को झुलाने का अवसर ना मिलेगा। तो उसका पालना उत्सव है आज। अब देख चलिए विष्णु, तेरी मैया के साथ कैसा छल करती हूँ मैं। चलो चलो। मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी भूल कर दी है तूने। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु मैं तेरा अस्तित्व नष्ट कर दूंगी। हो गो मेरा लल्ला तैयार, हो गो मेरा लल्ला तैयार। श्लेषा नक्षत्र है पूतना, मृत्यु योग है। यदि अभी तुमने गोकुल की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो परिणाम की उत्तरदायी तुम स्वयं होगी। सत्य कहा तूने, मृत्यु योग ही है आज तेरा। देख, तेरी मृत्यु गोकुल में प्रवेश कर रही है, रोक सकता है तो रोक के दिखा। काले विपरीत बुद्धि, एक बार पुत्र गोकुल में प्रवेश कर गए तो वहां विनाश का तांडव होगा, मृत्यु नाचेगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कीजिए स्वामी, संदेशा भिजवाइए अपने भाई को। देवकी, महल के कोने कोने पर कंस के गुप्तचरों की दृष्टि है। इस कक्ष से निकला कोई भी संदेश कहीं और पहुंचने से पहले उसके कानों में पहुंचेगा। पर हमारा पुत्र देवकी, आप यहां सब ठीक तो है? आप दोनों इतने भयभीत क्यों? मैं तो मां से कर देने आया हूं, पता चलो कि बिटिया हुई है और कंस ने आप दोनों को कारागार से मुक्त कर दियो, तो मिलने और बधाई देने चले आए हो। और सच बात तो ये है कि मैं भी एक शुभ समाचार सुनाने आया हूं। नारायण की कृपा से यशोदा की गोद भर गई, लल्ला हुआ है हमारे यहाँ। क्या हुआ भैया? भाभी, आप दोनों प्रसन्न ना है? नहीं, बहुत प्रसन्न है हम। आपको बहुत बहुत बधाई। पुत्र को हृदय से लगाने का सुख नहीं ले सकता, किंतु जिस छाती ने उसे अपने से लगाया है, जिन बाहों ने उसे अपनी गोद में उठाया है,
उनका स्पर्श तो कर ही सकता हूं। भैया पुत्र स्वस्थ तो है ना, वो दूध ठीक से पीता है ना, और भाभी जी उसे डकार दिलवाती है ना, नींद ठीक से होती है उसकी, भोजन विश्राम सब आवश्यकता के अनुसार कर रहा है ना, और भाभी जी से कहिएगा कि उसे केवल कोमल वस्त्र ही पहनाए और उसके सोने का गद्दा भी कोमल होना चाहिए। देवकी को रोकना होगा, अन्यथा अभी सारा भेद खुल जाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसके नहाने का जल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और देवकी सांस तो ले लो। इतने सारे निर्देश, इतने सारे प्रश्न। भाभी आप चिंता मत करो, हम हमारे लल्ला का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे। यशोदा तो ममता में बावरी हो गई, क्षण भर के लिए भी नीलमणि को स्वयं से दूर ना करती, हृदय से लगा के रखती। आज लल्ला का पालना उत्सव हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यशोदा ने कोई कमी ना छोड़ी होगी। लल्ला को इतना अच्छे से सजाया होगा कि बस पूछो ही मत। यदि हम भी वहां होते तो अपने नेत्रों से देख पाते उसे। कितना सुंदर लग रहा होगा उसके माथे का मोर मुकुट, जैसे उसकी सुंदरता में चार चंद्र लगा देते हैं, और उसके नेत्र मानो कमल के फूल, शांत धीर गंभीर। किंतु नटखटपन से भरे हुए, और रंग की तो आप पूछो ही मत। ऐसा लगता है जैसे दोपहर की कड़ी धूप के बाद शाम की शीतल मंद मंद बयार चल रही है। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आज जब लल्ला पालना उत्सव में सच सवर कर आए हो ना, तो सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। अच्छा लो भाई, मेरा लल्ला तो सज धज के आगो है। अब तुम सब बताओ, इसका पालना सजो की ना? बिल्कुल तैयार है यशोदा जी, देखो लल्ला के उपयोग के लिए कितना व्याकुल है। चल लल्ला। अद्भुत बात तो ये है कि आप ही की तरह यशोदा भी उसकी बहुत चिंता करती, आज पालना उत्सव में भी तरह तरह के प्रश्न करेगी। जब तक सब कुछ जांच परख ना ले, तब तक वो लल्ला को पालने में ना लिटाएगी। कहो भाभी, कैसा लगो पालना? लल्ला का है पालना, ये ही बताएगो। कैसा लगो? लो जीजी, लल्ला ने तो हाँ कर दे। तो पाला उसब आरंभ करें। रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो, पालना ठीक तो है ना? है तो सुंदर, किंतु सुरक्षित भी तो होना चाहिए। जे फूल जे आज के ही है ना, कीट पतंगे तो ना लगी इनमें? ना भाभी, आज सवेरे ही मैंने और जानकी ने स्वयं तोड़े हैं, फिर उन्हें धोया, तब जाके सजाया है इसे। और जे मोर पंख, इनकी नुकीली सिरे भीतर की ओर तो ना है? मेरा लल्ला को चुभ गई तो? बाहर की ओर ही है जीजी, मैंने स्वयं लगाए हैं। और जे गद्दा और उनके वस्त्र सब कोमल है ना? हाँ 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 जी, आपके सारे निर्देशों का ध्यान रखो है हमने।
अच्छा अच्छा, और जे पालना जे सुरक्षित तो है ना, भार उठा लेगो ना मेरे लल्ला का। जे क्या कर रही हो सब? अरे मैं मैया हूँ, सदैव सावधान रहना चाहिए। हाँ नहीं तो हृदय प्रसन्न हो गया भैया ये सब जानकर, बहुत प्रसन्नता हुई। भैया रोहिणी दीदी कैसी है, उनका पुत्र स्वस्थ तो है ना? हाँ भाई नंद, रोहिणी कैसी है? सब कुशल मंगल है, मेरी भाभी और भतीजा दोनों आपको बहुत स्मरण करते, आपकी प्रतीक्षा कर रहे। नंद भाई मेरी ओर से क्षमा मांगिएगा अपनी भाभी से, उनसे कहना मैंने जो कुछ भी किया उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए किया। वो समझती आपकी परिस्थिति का आभास है उन्हें। लो, मैं तो भूल ही गई, भाभी ने आपके लिए पेड़े और बिटिया के लिए वस्त्र भेजे। बिटिया कहाँ है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आकाशवाणी में मेरे आठवें पुत्र का उल्लेख था, पर उसने मेरी गोद से मेरी पुत्री को छीन लिया और तो फिर नारायण के अवतार वो कहां गए? वो नारायण की लीला वही जाने, किंतु अब तक अवतार की मृत्यु ना कर पाने के कारण कंस क्रोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने उतना नाम की अत्यंत भयानक राक्षसी को उन सभी बालकों की हत्या करने का आदेश दिया है, जिनका जन्म पिछले 10 दिनों में हुआ है। भाई नंद, इसलिए आप सावधान रहिए, यदि उसे पता चला कि आपको पुत्र हुआ है, वो भी सात दिन पहले तो अनर्थ हो जाएगा, कब हुआ तुम्हारे पुत्र का जन्म? कितने समय पहले? बस 7 दिन का हो गया महाराज, हमारा लल्ला। क्या हुआ? यदि कंस को पता चला कि आपको पुत्र पैदा हुआ है तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नंद भाई, क्या हुआ? अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ भैया, क्या हुआ है? मैं लल्ला के जन्म का समाचार स्वयं दरबार में सुनाकर है। पर क्यों? क्योंकि मुझे इस विषय में जानकारी न थी। मुझे किसी भी तरह आपको यह सूचना भिजवानी चाहिए थी। अब इन बातों का समय न है, मुझे जाना होगा, जानो है मुझे। गोपराज नंद, ये पांव गोकुल पहुंचने के लिए उड़े जा रहे हैं ना, अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है। जब तक तुम पहुंचोगे
तुम्हारे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ चुके होंगे। अंशी बोला, शीघ्र चलो, काम हो नंदराज, गोकुल चलो, गोकुल जाना है, चलो गाड़ी आगो। यशोदा जी, हो गया भरोसा, अब उत्सव आरंभ करें। कौन है ये? कहां से आई है? देवी लग रही है, अवश्य कोई राजवंश से होगी। नंद भवन में जो पालना उत्सव है ना, उसी में विशेष अतिथि होंगी। विशेष अतिथि तो हूँ, और अब पालना उत्सव को भी विशेष बनाऊंगी मैं। यशोमती माल लाल पाल ना झुलावे, बेग ही काहे नाही आवे निदियारी, बीच बीच नैन तो कांधारी बुलावे। पाल ना झुलावे हरी पाल ना झुलावे, यशोमती माल लाल पाल ना झुलावे, लीला देख सुर नर मुनि हर शावे, बड़ो भाग मैया तेरो हरि थप कावे। पाल न झुलावे हरि पाल न झुलावे, यशोमती माल लाल पाल न झुलावे। राम राम, प्रणाम 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 राम जी। काका, इस छोटे मार्ग से चलिए। किंतु महाराज, ये मार्ग तो पथरीला है। जल्दी तीव्र आंखों नारायण, ये जो विपदान पड़ी है उससे मेरे पुत्र की रक्षा करना, बालक माता के सुख में कोई विघ्न मत आने देना प्रभु, रक्षा करना। मथुरा में माँ व्याकुल है, और यहाँ गोकुल में मैया आने वाले संकट से अनभिज्ञ प्रसन्नता के झूले में झूल रही है। दोनों के मन की शांति के लिए पूतना के साथ होने वाले संघर्ष को सावधानी से संभालना होगा मुझे। बस करो सब, कितना झुलाओगे, मुझे भी तो दो। तेरे जीवन की ज्योति बुझने वाली है विष्णु अवतार, देख मैं आ गई हूँ यहाँ। बस कुछ क्षण रुक जाओ पूतना, मैया को मुझे झुलाने का आनंद उठाने दो।
यदि मैं भी तिरुपति होती तो कितना अच्छा होता ना। किंतु ये है कौन? स्वरूप तो देखो इनका, चेहरे में मुस्कान, हाथ में कमल का फूल, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी आई हूँ। जान ना पाई आप? वसुदेव जी ने भेजा है मुझे आपकी नीलमणि को दूध पिलाने के लिए। किंतु मेरे लल्ला को आपका दूध कैसे? राजा वसुदेव पे आपको भरोसा नहीं है? ना ये बात ना है, किंतु यादवपुर के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कल ही तो सूचना मिली थी कि वसुदेव भैया और राजकुमारी देवकी को कारागार से मुक्त कर दो है कंस ने, और आज ये उपहार लेकर मिलने भी गए थे। संभव है वसुदेव भैया ने इसीलिए भेजो इन्हें। काका शीघ्र चलो। क्या हुआ, अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाएंगी मुझे? उसके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना आपके मन में भी तो होगी। है क्यों ना, अवश्य है। आई आई। अब आ ही गई हो तो मेरे पालना उत्सव में तुम्हारा स्वागत है पूतना। पर मुझे झुलाने ही आना, मारने की मंशा से आओगी तो स्वयं मृत्यु के झूले में झूल जाओगी। ध्यान से देख, मैं तेरे द्वार के भीतर प्रवेश कर रही हूँ और तू मुझे धमकाने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा। अब बस चुपचाप पालने में लेट कर प्रतीक्षा कर मेरी, अर्थात अपनी मृत्यु की। गई शिशु विष्णु, कहाँ है तू? अरे तुम सबको पतो है जे कौन है? नीलमणि के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वयं वसुदेव भैया ने भेजो इन्हें मथुरा से। स्वामी ने भेजा है? कैसे है वो? और बहन देवकी वो कैसी है? भाग्य की कृपा है, सब उत्तम है। वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार तो होता है ना? हाँ, सुख में तो है वो। उन्हें उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है ना? कहाँ छिपा है दुष्ट बालक, भयभीत हो गया क्या? ये उत्तर क्यों नहीं दे रहा? कुछ देर पहले तक तो कौवे की तरह काँव काँव किए जा रहा था, किंतु एक शिशु बोल कैसे सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब मेरी कल्पना हो? बताइए ना, आप मौन क्यों हो गए? हाँ हाँ, वो परम प्रसन्न है, स्वस्थ है, सुख से है। और सबसे बढ़कर वो दोनों रानी यशोमती के बालक के लिए बहुत उत्साहित हैं।
अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तभी तो मुझे यहाँ भेजा है। वैसे है कहाँ वो? मुझे भी तो मिलवाइए। अरे वो रहा अपने पालने में। अब किंतु मिलने से पूर्व तनिक स्वागत सत्कार करना है आपका। आप अतिथि हैं हमारी। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कैसे ना है? बिल्कुल है। अरे स्वागत सत्कार करना तो धर्म है हमारा, और अपना जे धर्म मैं अवश्य निभाऊंगी, और जे अधिकार मुझसे मती ना छीनो आप। मेरी मैया से चतुराई दिखाने की चेष्टा कर रही है पूतना, बहुत भारी पड़ेगा इसे। विश्वास कीजिए, तनिक भी भूख नहीं है हमें। देवी तुल्य है आप, गोकुल के भोग को मना कर ही ना सकती। भोग तो खाना ही होगा। आइए 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 चल। शीघ्र चलिए, तीव्र आंखों लीजिए, ग्रहण कीजिए। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। रक्त पीना है मुझे, और ये साधारण भोजन के चक्कर में फंसा रही है। ऐसी ही हट करती रही तो अपने असली रूप में आ जाने पर विवश हो जाऊंगी मैं। मेरे लल्ला का पालना उत्सव है, ऐसे सादा मुंह थोड़े ना जाने दूंगी। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। मैं कछु और तो ना समझ रही? कहीं ये मेरा सत्य समझ तो नहीं गई? आप वो ही हो ना जो आप कह रही हो? ओ वसुदेव भैया नहीं भेजो है ना आपको? हाँ हाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं वासुदेव जी ने ही भेजा है मुझे। ना वो तो स्मरण है, वही तो कह रही हूँ। आप ही विचार करो, आप मथुरा से आई हो, गोकुल में आप हमारी अतिथि हो, सम्माननीय आदरणीय हो आप, इसी कारण विनती कर रही हूँ, मना मत करो। अतिथि होने का मान तो रखना ही पड़ेगा। ये विष्णु की माँ अत्यंत हठी है, इससे पहले कि इसे मुझ पर संदेह हो जाए और मेरी पूरी की पूरी योजना बिगड़ जाए, मुझे कुछ करना होगा। जिस शुभ कार्य के लिए आई हूँ पहले वो करना चाहती थी, इसीलिए मना कर रही थी। पर अब आप इतना आग्रह कर ही रही हैं, तो आपका निवेदन भी अस्वीकार करना उचित नहीं है। मिठाई के इस टुकड़े से मेरी भूख शांत नहीं होगी विष्णु, मुझे तो पीना है तेरा गरम गरम रक्त। ताता, तीव्र हाँ को, हे नारायण, मेरे लल्ला की रक्षा कर। यशोदा ने कही थी मुझसे कि यात्रा ना करो, पर मैंने उसकी क्यों ना सुनी? अब यदि वो राक्षसी पूतना वो गोकुल पहुंच गई तो लल्ला के साथ साथ गोकुल के समस्त शिशुओं के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। बस एक बार वो नन्ना विष्णु मेरी गोद में आ जाए, फिर तुझे दिखाऊंगी अपना असली रूप। क्या हुआ, मैं कुछ और लाऊं? नहीं, ये सेवा सत्कार, उत्सव मनाना, मिठाइयाँ भोजन करना, ये सब तो चलता रहेगा। पहले जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है वो कर लूं। इसे संदेह हो गया तो सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। बालक के उत्तम स्वास्थ्य का सवाल है, देर नहीं करनी चाहिए। जे तो मेरी बुद्धि में आओ ही ना, आइए आइए शीघ्र आइए आइए। अरे सब देख क्या रहे हो, मिलने दो इन्हें लल्ला से। हाँ भाभी। भाभी नीलमणि तो सो गए हुए हैं। सो
सोगा? देखो तो यहाँ है तू। आज के बाद इतिहास मुझे कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आज वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। आज विष्णु अवतार का अंत करूंगी मैं। कितना प्यारा है। पास में फंस गई ना पूतना, अब देखो तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ मैं। अरे इसने तो अपना मुख घुमा लिया। अरे आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे जगा देती हूँ। लल्ला उठ, लल्ला देख कौन आवे तुझसे मिलने। लल्ला उठ, अपनी मैया को इतना सताएगा। उच्चा उच्चा लल्ला देख मथुरा से आई है जी। उच्चा उच्चा लल्ला उठो नीलमणि, नीलमणि उठो नीलमणि। लल्ला तो उठ गयो, उठ गयो। मुझे भी दिखाइए ना। अभी उठो है ना, आप अपरिचित हो, आपकी गोद में कहीं डर ना जाए। आप चिंता मत कीजिए, इसे मेरी गोद अपरिचित नहीं लगेगी। ऐसा अनुभव करेगा कि अपनी माँ की गोद में है। भूल का दंड मेरे लल्ला को ना देना रहा है। काका शीघ्र चलो। अधिक विचार मत कीजिए यशोमती, मैं भी एक स्त्री हूँ, अनेक बच्चों को अपनी गोद में उठाया है, खिलाया है। मैं आपके लल्ला का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपको कष्ट तो ना हो रहा ना, मैं ले लूं? ना ना मुस्कुरा रहा है। मुझे एकांत चाहिए यशोमती, ताकि मैं शांति से अपना दूध पिला सकूं। हाँ मैं आपको अपने कक्ष में लेके चलती हूँ, आइए। आइए आप यहाँ बैठ जाइए। जब तक मैं उसकी भूख मिटा रही हूँ, आप काजल ले आइए, अपने हाथों से टीका लगाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है ये, कहीं मेरी ही ना दृष्टि लग जाए। आपकी दृष्टि तो इतनी प्यारी है, कैसे लगेगी। अच्छा अभी लाई काजल। बोल विष्णु, उत्साहित तो है ना। साक्षात काल की गोद में खेलने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। अं
पंख में अपने खिला रही है, उसको जो है स्वयं अनंत। सर्प को रस्सी समझ के खींचे, अब निकट मूढ़ का अंत। मैं जानती हूँ तू बहुत भोला है, बहुत प्यारा है शिशु विष्णु, पर क्षण भर के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तेरे इस रूप के जाल में फंस जाऊंगी। अब ये पूतना तेरी शिराओं में विष का संचार करेगी, तू तड़पेगा, दया की भीख मांगेगा और फिर चुपचाप अपने प्राण त्याग देगा। भूख लगी है? पी पी अपने इस मृत्यु के घूंट को और अनुभव कर अपना विष्णु अवतार कि तू पूतना के सामने कितना असहाय है। क्यों गए? गोकुल अभी दूर है। नंद भैया, पहिए का किला निकल गया है, कसना पड़ेगो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
छोड़ दुष्ट विष्णु, छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। दया करो प्रभु, दया करो। अधम नराधम निशाचरी अभिमानी हो गई थी प्रभु। विष्णु अवतार की हत्या का प्रयत्न किया मैंने। कैसे सोच लिया एक निर्दोष अबोध शिशु को विष पिला दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हम सब जो भी करते हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही करते हैं। तुम भी इसका अपवाद नहीं हो पूतना। आज तुमने जो किया उसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से था, जब संसार तुम्हें रत्नमाला के नाम से जानता था। मैं रत्नमाला? हाँ, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला। बलि दैत्यों के राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली, और मेरे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सहायता से वो अमर हुए और पृथ्वी और स्वर्ग के सम्राट बन बैठे। यज्ञ पूर्ण होने के बाद वो सभी याचकों को उपहार देने लगे। तब मैंने बौने ब्राह्मण का अवतार लिया, वामन अवतार। रत्नमाला के रूप में जैसे ही तुमने मुझे देखा, उस बालक जैसे अवतार के रूप से तुम भावुक हो गए। तुम्हारा हृदय ममता से भर उठा। अब एक ही अभिलाषा है मेरी, तुम्हें पुत्र रूप में पाना, गोद में खिलाना, अपना दूध पिलाना। तब मैंने तुम्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। किंतु प्रभु, यदि वरदान था तो मैंने आपको दूध के स्थान पर विष पिलाने का दुष्कर्म क्यों किया? क्रोध के कारण, जो मैंने उस समय तुम्हारे पिता दैत्यराज महाबली के साथ किया था, उसी के कारण तुम क्रोधित हुई थी। उपहार में तीन पग स्थान मांग लिया था मैंने उनसे। किंतु इतने से उपहार से मुझे इतना क्रोध क्यों आया प्रभु? जब राजा बलि ने मेरे वामन अवतार की इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया, तो मैंने विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया
प्रथम पग में मैंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में नाप लिया विशाल स्वर्ग, किंतु फिर राजा बलि के पास उपहार में देने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। पर महाबली भी अपने वचन के पक्के थे, तीसरे पग को रखने के लिए उन्होंने मुझे अपना शीश अर्पित कर दिया। मेरे बार से महाबली पाताल लोक जाने पर विवश हो गए। अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार के कारण ही तुम्हें क्रोध आया था। लाने की कामना थी, पर अब विषपान कराना चाहती हूं तुम्हें, विषपान। तुम्हारी वो मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी, मन ही मन ऐसा वरदान दिया था मैंने तुम्हें, और आज तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं रत्नमाला। भले ही तुम्हारी नियत में विष था, पर तुमने मेरी भूख मिटाने का उपक्रम किया, मुझे अपने बक्ष से लगाया। यही कारण है कि तुम मेरे लिए मेरी मां के समान पूजनीय हो गई हो, और इसीलिए अब से तुम सभी बंधनों से मुक्त हो। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं, ओम श्री हरि। एक शंका और है प्रभु, मेरे हाथों इतने सारे निर्दोष शिशुओं की हत्या क्यों हुई? जिन शिशुओं के प्राण तुमने लिए, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें अल्पायु ही होना था, यही विधि का विधान था रत्नमाला। प्रभु रक्षा करो प्रभु। वो देखो,
तुम दोनों ठीक हो? उतना लल्ला को कोई ढूंढो, कोई लल्ला को लेके आओ। लल्ला को ढूंढो, ढूंढो लल्ला को। लल्ला कहाँ है? सीढ़ी लेके आओ कोई। नीलमणि घबरान मत हमारे। अरे सीढ़ी लाओ, चलो जल्दी। मुझे क्या होना है मैया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नीलमणि, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। अब तो मत रो मैया, आ गया हूँ ना आपके पास, अपनी मैया की गोद में। मैं तुझे दियो वचन पूरा ना कर पाई लल्ला, मैं तेरी सुरक्षा ना कर पाई। संभालो अपने आप को यशोदा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा जीजी। अब बस जीजी, लल्ला मिल गया है। जीजी, लल्ला मिल गया है। काहे घबरा रही हो? मत रो मैया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई तो चुप कराओ इन्हें। रोहिणी ताई जी, अब आप ही संभालो। चुप हो जाओ यशोदा, नहीं तो देखो लल्ला भी रो पड़ेगा तुम्हें देख के। अब भी स्वयं से पहले मेरे आंसू पोंछ रही हो मैया। प्रभु नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा नीलमणि सुरक्षित। किंतु जे है कौन जो देवी बनकर आई और दानवी बनकर हमारे लल्ला को ले गई? मैं भी इतनी देर से जय ही सोच रही हूं, जे है कौन? पूतना। मैं मंदिर पर मुझे सूचना मिली कि अनेकों गांवों में एक राक्षसी है जो दूध पीते बच्चों को खा रही है। अब तक न जाने कितनी माओं की कोख उजाड़ दी पिछले कई दिनों में। जैसे मुझे सूचना मिली मैं सबको सतर्क करने आ गया, पर बहुत देर हो गई। मैंने कहा ना मैया, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी मैया की गोद नहीं उजाड़ पाएगी। मैं तुम्हें सोचूं इतनी भयानक राक्षसी से हमारा नीलमणि बचा कैसे? पर इसे तो करवज भी ना आई मासी। वही तो मैं सोचूं, ये हुआ कैसे? कोई साधारण बालक तो ये कर नहीं सकता। सही कह रही है मौसी, अवश्य हमारे लल्ला अद्भुत है। मुझे भी यही लगता है।
कुछ तो विशेष है अपने लल्ला में। लो कर लो बात, फिर से वही सब आरंभ हो गया। इनके चक्कर में कहीं मेरा भेद ना खुल जाए। हाँ, इस घटना से सिद्ध हो गया है, बहुत दिव्य बालक है जे। अब तो मुझे पुकार लगानी ही होगी, बहन योगमाया, सहायता करो। मैं यही हूँ भैया। मुझे पता था इतनी दिव्य लीला के बाद तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। जो राक्षसी इसे मारने आई थी उसी को मार दिया इसने। वही तो मैं भी सोचूं, कोई तो बात अवश्य है यशोदा तेरे बालक में। श्री नारायण की कृपा है। यही तो विशेष बात है यशोदा मैया के लल्ला की। श्री नारायण का आशीर्वाद अर्पित है। ये तो वही है जो लल्ला की मालिश के लिए आई थी। वो भयानक राक्षसी जो मानवों को खा जाती है, उसे एक बालक मार सकते है भला? सत्य तो ये है, ये चमत्कार श्री नारायण का है। तुम सबने आकाश में एक दिव्य प्रकाश देखा या नहीं? दिव्य प्रकाश? हाँ, मैंने देखा था। इतना तीव्र प्रकाश था कि आंखें चौंध दिया जाए। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो अद्भुत प्रकाश इस बात का संकेत था कि नारायण ने ही हमारी सहायता की है। लगता है मैया मान गई। नारायण पर जो भरोसा करते हैं, नारायण सदैव उसकी सहायता करते हैं। नीलमणि की सहायता करने नारायण साक्षात प्रकट हुए। आकाश के मध्य बादलों के बीचों बीच खड़े रहकर उन्होंने इस राक्षसी के प्राण वायु खींच लिए और इसके प्राण हर लिए। तभी तो इसका निर्जीव तन भूमि पर पड़ो है। श्री नारायण स्वयं प्रकट हुए। यशोदा ने और नंद महाराज ने बहुत प्रार्थनाएं की है प्रभु से। प्रभु के आशीर्वाद से ही तो गोकुल को मिला है ये। यशोमती मैया का नंदलाल, यशोमती मैया का नंदलाल। यशोमती।